का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम नाउंस 3 पढ़ेंगे जो कि नाउंस का आखिरी लेक्चर है। नाउंस में बहुत ही चीज़ें सीखने की होती हैं, इसलिए हमने नाउंस के बारे में 3 लेक्चर बनाए थे और आज उसका आखिरी लेक्चर है। नाउंस 1 में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया था, जो इंग्लिश में होता है द और जर्मन में 3 होते हैं, आपको याद होगा, डेयर, डी और डस। फिर हमने एक जनरल सी स्टार्टिंग वोकैबुलरी बनाई थी, जो चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें डेयर थी, कुछ डी थी और कुछ डस थी। फिर हमने क्वेश्चनल प्रोनाउंस वास और वेयर के बारे में सीखा था कि इनमें फर्क क्या होता है। वास यानी कि व्हाट और वेयर यानी कि हु। फिर हमने टॉपिक्स के हिसाब से थोड़ी सी वोकैबुलरी सीखी थी, जिस तरह फैमिलिए के बारे में एसन उन ट्रिंकन वोनन राइजन, तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी नाउंस 1 में सीखी थी। फिर नाउंस 2 में हम थोड़ा सा डेप्थ में गए थे और हमने डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स और प्रोनाउन सीखे थे, नॉमिनेटिव के केस में, और यही सीखे थे हमने अक्यूजेटिव के केस में भी। और ये जो जर्मन में जो 4 केसेस हैं, सो कॉल्ड केसेस, यानी नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव, उसके बारे में मैंने आपको मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, इनकी शक्ल क्या होती है, लेकिन हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं गए, वो हम बाद में जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर हमें समझ आ गया के जर्मन लैंग्वेज में 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम नाउंस 3 में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो मैं आपको नफी करने के बारे में बताऊंगा, यानी निगेशन के बारे में, जर्मन में निगेशन कैसे करते हैं। फिर मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस बताऊंगा, यानी मैं, तुम, वो, हम, जर्मन जबान में जो उनसे इस्तेमाल होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। फिर मैं आपको पोजेसिव आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, जिसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, मेरी, हमारी, इस तरह ये सब जो पोजेशन शो करते हैं आर्टिकल्स, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको नफी करने के बारे में बताता हूँ, निगेशन कैसे करते हैं, किसी चीज की नफी कैसे करती है। ये किताब है, नहीं ये एक मेज है, इस तरीके से। देखें, निगेशन करने के लिए, नफी करने के लिए जर्मन में सिर्फ चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो ये वाले हैं। आप या तो कहेंगे नाइन, नाइन का मतलब है नो यानी नहीं, या फिर आप कहेंगे निश्ट, निश्ट का मतलब समझिए नॉट यानी नहीं है, और या फिर आप कहेंगे काइन या काइने, इन दोनों का मतलब है नॉट अ, लेकिन उर्दू में इसका तर्जुमा वही है, नहीं है। मैं आपको इनका फर्क बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या है। और कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा निश्च, निश्च का मतलब नहीं यानी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो यही 4-5 अल्फाज हैं जो कि जर्मन में निगेशन के लिए यूज होते हैं। चलिए हम इनका फर्क तरह समझने की कोशिश करते हैं। आपको इम्तहान में, पेपर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, फिल इन द ब्लैंक्स में कई दफा आ जाता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि यहाँ मैंने नाइन लगाना है, निश्ट लगाना है, काइन लगाना है या काइने लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या लगेगा। देखिए, नाइन तो बहुत आसान है, नाइन तो पहला जवाब है किसी सवाल का। आप कुछ चीज़ों में या कहोगे यानी यस, और कुछ चीज़ों में आप कहोगे नाइन। मैंने आपको मिसाल के तौर पे पूछा, इस डस एन बुख, क्या ये किताब है, आपने कहा नाइन, डस इज एन टिश, ये एक टेबल है। दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्क समझना निश्ट और काइन काइने के दरमियान। आपने नोट किया इन दोनों का मतलब उर्दू में यही है, नहीं है, लेकिन अब आपके लिए जरूरी है ये समझना कि निश्च कहाँ पर लगेगा और काइन और काइने कहाँ लगेगा। देखिए, आपको शायद याद हो,
पिछले लेक्चर में हमने जब आर्टिकल्स पढ़े थे मुख्तलिफ किस्म के, तो हमने सीखा था कि काइन और काइने ये आर्टिकल है, नेगेटिव आर्टिकल, जिसको नेगेटिव आर्टिकल कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था डेयर और दास वाले नाउन्स के साथ आप काइन कहते हो, और दी प्लूरल प्लूरल नाउन्स के साथ आप कहते हो काइने, जिस तरह काइन मान या फिर काइने फ्राउ या काइने किंडर। तो हम मतलब काइन, ये काइन और काइने आर्टिकल है। दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आपको पता है कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन से इमीडिएटली पहले इस्तेमाल होता है, नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, जिस तरह द टेबल, माई टेबल, योर टेबल, दिस टेबल या फिर नॉट अ टेबल। तो आर्टिकल जो है ना वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। तो आप यूं समझिए कि नाउन से इमीडिएटली पहले अगर आपने निगेशन करनी है ना, तो आप सिर्फ काइन या काइने से करेंगे, काइन या काइने से करेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा इस दस आइन बूख, आपने कहा नाइन, दस इज काइन बूख, दस इज निश्ट बूख, गलत होगा, दस इज काइन बूख। अच्छा, फिर मैंने आपको पूछा अगर प्लूरल में मैं पूछूं कि आर दीज नॉट बुक्स जेन दस काइने ब्यूशर, तो आप कह सकते हो नाइन दस जेन काइने ब्यूशर। प्लूरल ब्यूशर देखे प्लूरल है ना, उसके साथ मैंने काइने कहा। और बूख जो है आपको पता है डेयर और दस वाले नाउन्स के साथ आपने काइन कहना है, और डी वाले नाउन्स यानी फेमिनिन नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ आपने काइने कहना है। हमने दो ही नेगेटिव आर्टिकल सीखे थे, काइन और काइने। डेयर और दस, वंस अगेन डेयर एंड दस वाले नाउन्स के साथ काइन, और डी वाले नाउन्स और प्लूरल्स के साथ काइने। अच्छा, इसके अलावा अगर नाउन से इमीडिएटली पहले निगेशन आपने नहीं करनी, तो फिर दोस्तों सब जगह निश्ट इस्तेमाल कीजिए, हर जगह। आप यूं समझिए कि निश्ट इस्तेमाल कीजिए निगेशन के लिए, लेकिन नाउन से जरा गौर कर लीजिए, अगर नाउन से पहले जगह खाली है, आपने फिल इन द ब्लैंक करना है तो निगेशन करनी है, तो फिर आप काइन से करेंगे या काइने से करेंगे, दोनों का मतलब नहीं है। तो निश्ट और काइन काइने का, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन बता दूं, एक्सेप्शन छोटी सी। अगर मैं कहूं दस इज निश्ट उस्मान, ये उस्मान नहीं है, दस इज निश्ट उस्मान, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि जनाबे अली आपने कहा था नाउन से पहले निश्ट नहीं लगाना, काइन लगाना है या काइने लगाना है। तो उस्मान तो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है बल्कि। तो दोस्तों उसमें ये छोटी सी एक्सेप्शन है, जहन में रखिए कि नाम जो होते हैं ना, नाम इनका क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं होता, उन वो बगैर आर्टिकल के होते, क्योंकि हाँ आपने कभी नहीं सुना होगा दिस इज द उस्मान, दिस इज द उमर, तो उनका क्योंकि आर्टिकल नहीं होता, तो उनके साथ फिर वो नेगेटिव आर्टिकल भी नहीं लगता, काइन या काइने, उसके साथ निश्चित लगता है। तो प्रॉपर नाउन के साथ, नामों के साथ आप निश्चित लगा दीजिएगा पहले, लेकिन अदरवाइज रूल एक जहन में रखिए, नाउन से पहले आपने काइन या काइने से निगेशन करनी है, और नाउन के बाद या किसी और जगह पर आपने निश्चित से निगेशन करनी है। तो दोस्तों ये इनमें दोनों में फर्क है, उर्दू में दोनों का मतलब नहीं है। दस इज काइन बुक, ये किताब नहीं है, दस इन काइने ब्यूशर, इनको उर्दू में आप कहोगे ये किताबें नहीं है, दस इज निश्ट आइन बुक, इसका भी यही मतलब है, दिस इज नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है। तो लेकिन जर्मन में लिखने में थोड़ा सा काइन काइने और निश्ट का आपको ख्याल करना पड़ेगा। और दोस्तों ये निश्ट कभी कभी इस्तेमाल होता है, निश्ट का मतलब होता है नथिंग। मैंने आपको पूछा क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, ट्रिंकन जी थे, मोस्टन जी थे, तो आप मिसाल के तौर पे कह सकते हैं नाइन इस ट्रिंक के निश्ट, निश्ट का मतलब मैं कुछ भी पसंद नहीं करूँगा, आई विल नॉट लाइक टू ड्रिंक एनीथिंग। तो ये निश्ट भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों यही बस निगेशन के लिए चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आप ध्यान में रख लीजिए। वंस अगेन नाइन निश्ट काइन काइने या फिर निश्ट। तो चलिए अब
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। इसको उर्दू में कहते हैं जमीर शख्सी, यानी मैं, तुम, वो, हम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, ग्रामर में इस तरह भी कहते हैं थर्ड पर्सन, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो जर्मन में दोस्तों जो पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले होते हैं। देखिए सिंगुलर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इश, डू, एयर, एस, जी और बड़ा वाला कैपिटल लेटर के साथ जी। देखिए ये आपके जरूर नजर से गुजरे होंगे, इश का मतलब है आई यानी मैं, डू, डू का मतलब है तुम, ये इंग्लिश में नहीं होता, आप ये कह सकते हैं यू लेकिन इनफॉर्मल वाला। फिर थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं यानी एयर, एस और जी, यानी इंग्लिश में आप कहोगे ही, इट, शी। एयर क्या हो गया, वो ही यानी कि वो आदमी मैस्कुलिन, और एस यानी वो चीज या कोई भी न्यूट्रल नाउन जो लिविंग, जर्मन में लिविंग भी हो सकता है, एस यानी बेबी जो होती दस बेबी वो एस होती है जर्मन में वो चीज, और जी छोटा वाला जी जो कि इंग्लिश में आप कहेंगे शी, और इंग्लिश उर्दू में आप कहेंगे वो औरत या वो फेमिनिन नाउन आगे कोई आएगा, ठीक है जी। जी यानी थर्ड पर्सन में जर्मन में क्या होता है एयर, एस और जी, ग्रामर में थर्ड पर्सन। और एक दोस्तों बड़ा वाला जी, आप वाला यू, ये आप वाला है फॉर्मल आप नोट करेंगे कि जो बड़ा वाला जी है ना आप वाला, ये आपको सिंगुलर में भी नजर आएगा और प्लूरल में भी। दोस्तों इसकी वजह ये है कि आप जब किसी को आप करके मुखातिब करते हैं तो वो किसी एक पर्सन को भी कर सकते हैं और बहुत से लोगों को भी आप करके कह सकते हैं, इसलिए आप वाला पर्सन आपको ये सिंगुलर में भी मिलेगा और प्लूरल में भी मिलेगा। तो वंस अगेन हमने कौन से पर्सन सीखे अभी तक सिंगुलर में, इश, डू, एयर एस जी और फिर जी। प्लूरल में अगर आप आए तो प्लूरल में आपको जो पर्सन इस्तेमाल करते हैं आप, एक होता है वीयर, वीयर यानी हम, वी। फिर जो इंग्लिश में नहीं होता क्योंकि डू नहीं होता तो उसका प्लूरल होता है ईयर, ईयर बिल्कुल कान वाले ईयर की तरह बोलना है, और ईयर का मतलब होगा इंग्लिश में होगा तुम सब या यू ऑल, इनफॉर्मल था यू ऑल, तुम सब। ये डू होता है ना तुम, तो उसका प्लूरल होता है ईयर, तो ये भी कभी कभी यूज होता है जब वो कहते हैं तुम सब तो वो फिर ईयर होता है। और फिर बड़ा वाला जी हमने सीखा था, आप जब आप बहुत से लोगों को अगर आप करके मुखातिब कर रहे हैं तो यही वाला जी होगा यू, लेकिन उसका मतलब होगा आप सब। और एक दोस्तों एक तीसरा जी भी है, देखिए एक तो एयर एस जी वाला जी है यानी शी, फिर एक आप वाला जी है कैपिटल से जो लिखते हैं, और एक तीसरा जी भी पर्सन होता है जर्मन में, वो होता है दे यानी वो लोग, आप इंग्लिश में कहोगे ग्रामर में थर्ड पर्सन प्लूरल, वो सब, वो लोग, वो भी जी है। तो जी तीन है जर्मन में, ज़रा ख्याल कीजिएगा। बस एक्चुअली आसानी से पैदा हो जाती है कि जो एयर एस जी वाला जी है और ये दे वाला जी है, ये एक्चुअली प्रोनाउन है ना, और आपको पता है प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जब नाउन पहले आ चुका होता है तो उसके बाद आप प्रोनाउन यूज करते हैं, तो आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कि शी वाला जी कौन किधर है और दे वाला जी का है। प्लूरल जितने होते हैं, अगर मैं कहूँ दी किंडर तो क्या होगा जी, अगर मैं कहूँ दी डामे, द लेडी, खातून, तो वो ही शी वाला शी होगा जी छोटे वाला। तो दोस्तों ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, इश, डू, एयर एस जी और फिर जी, और प्लूरल्स में वीयर, ईयर, जी और जी दे वाला। तो इनके बारे में मजीद हम बात करेंगे जब हम वर्ब्स को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि
persons को verbs के मतलब verbs को बल्कि persons के मुताबिक कैसे conjugate करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि verbs जो होते हैं वो हमेशा person के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैं आता हूँ, तुम आते हो, वो आती है, हम आते हैं, तो आपने देखा वर्ब जो होता है हमेशा पर्सन के मुताबिक होता है। जर्मन में भी ऐसा ही है, वो हम बाद में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं, पोजेसिव आर्टिकल्स। हमने नेगेटिव आर्टिकल पढ़े थे, काइन और काइने। उस वक्त हमने ये नहीं सीखा था कि मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उनकी, ये चीज़ें हमने, हमारा हमारी, ये चीज़ें हमने तब नहीं पढ़ी थी। तो ये भी एक आर्टिकल है जो कि पोजेशन शो करता है, मलकियत शो करता है। इसको उर्दू में ग्रामर में आप कह सकते हैं मलकियत की सिफत जो है, ये पोजेसिव आर्टिकल हम आज पढ़ेंगे। इसको जर्मन ग्रामर में कहते हैं पोजेसिवम। तो चलिए, ये इस तरह से है, पर्सन हमने अभी सीखे थे, पर्सनल प्रोनाउन इश, डू, एरेजी, वियर, ईयर, जी और जी। मैंने इसकी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ की है, ज्यादा किताबों में इस तरीके से होती है। तो वंस अगेन, इश, डू, एयर एस जी, वियर, ईयर और जी जी। तो चलिए अब इसका पोजेसिव आर्टिकल कौन से हैं ये सीखते हैं। देखिए, अगर अगर पर्सन होगा ना इश, तो उसका पोजेसिव आर्टिकल होगा माइन या माइने। माइन कहां पर आपने इस्तेमाल करना है, जहां पर नाउन जो बाद में इस्तेमाल होगा, अगर वो मैस्कुलिन नाउन है या न्यूट्रल नाउन है, यानी डेयर या दास है, तो आप कहिएगा माइन। मिसाल के तौर पे माइन फादर, माय फादर, या माइन बुख, मेरी किताब, इनके लिए आप माइन कहेंगे। डेयर और दास वाले नाउन के लिए माइन। और यानी के फेमिनिन आर्टिकल्स, फेमिनिन नाउन्स के लिए और प्लूरल्स के लिए आप कहेंगे माइने। जिस तरह माय माय बैग, माइने ताश, माय मदर, माइने मुटर, और प्लूरल्स के लिए भी यही, मेरे बच्चे, माइने किंडर। तो आप ये ध्यान में रखिए कि माइन और माइने दोनों दोनों का मतलब यही है। आप यूं समझ लीजिए, उर्दू में माइन का मतलब है मेरा और माइने का मतलब है मेरी। लेकिन जरूरी नहीं है जो नाउन उर्दू में फेमिनिन है वो जर्मन में भी फेमिनिन हो। आप जर्मन के हिसाब से समझिए कि जो मैस्कुलिन नाउन है और न्यूट्रल नाउन है आप कहेंगे माइन, और जो फेमिनिन नाउन है और जो प्लूरल नाउन है आप कहेंगे माइने। तो उर्दू में इसका मतलब मेरा या मेरी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, डू का पोजेसिव आर्टिकल क्या है, वो होगा डाइन, डाइन या फिर डाइने, उसी असूल के मुताबिक। यानी आप यूं समझिए तुम्हारा या तुम्हारी। डू, हमने शुरू में जब नाम पूछना सीखा था तब भी हमने कहा था वी इज ईयर नाम है, और आपने कहा था माइन नाम है। फिर हमने कहा था वी इज ईयर एड्रेस से, तो आपने कहा था माइने एड्रेस से, तो उसकी यही वजह थी। अच्छा, डू का पोजेसिव आर्टिकल हो गया जी डाइन और डाइने, यानी तुम्हारा तुम्हारी। एयर यानी ही, इसका पोजेसिव आर्टिकल होगा जाइन या जाइने, यानी उसका और उसकी। कुछ मिसालें भी अभी आपको करवाएंगे। फिर एस यानी इट, इसका पोजेसिव आर्टिकल होगा जाइन या जाइने। तो दोस्तों, इसका मतलब होगा इट्स, इंग्लिश में आप कहोगे इट्स। और जी यानी शी, इसका पोजेसिव आर्टिकल होगा ईयर और ईयरे, यानी हर। हर फादर क्या होगा, ईयर फादर। हर मदर क्या होगा, ईयरे मोटर, आई छोटा, क्योंकि जी शी छोटा वाला जी है, इसका आई ईयर का भी आई छोटा। और हम यानी वीयर, इसका पोजेसिव आर्टिकल होगा जी उनजर, और या फिर उनजरे। उनजर मतलब आवर, इंग्लिश में आप कहोगे आवर।
आवर फादर क्या होगा? उनजर फादर। आवर मदर क्या होगा? उनजरे मुटर। फिर दोस्तों पर्सन पे आ जाए, पियर, तुम लोग, इसका पोजेसिव आर्टिकल होगा ऑयर, यानी तुम लोगों का, या फिर ऑयरे यानी तुम लोगों की। तो इसकी स्पेलिंग में जरा गौर कर लीजिएगा, ऑयर के ई यू ई आर और ऑयरे का ई यू आर ई, ऑयर ऑयरे, यानी उर्दू में आप कहेंगे तुम लोगों का और तुम लोगों की, इंग्लिश में वो इसका मतलब है योर। फिर बड़ा वाला जी, आप, इसका होगा ईयर, कैपिटल वाला आई से, ईयर या ईयर ए। आपको याद है हमने कहा था वी इज ईयर नाम है, आपका नाम क्या है, या फिर वी इज ईयर ए आदरेस से, तो आपने उसका जवाब दिया था माइने आदरेसेस। तो आपने देखा जी का पोजेसिव आर्टिकल है ईयर। और दोस्तों वो लोग, दे, या आखिरी वाला जी जो है ये क्या है, दे, इसका भी वही होगा छोटे आई के साथ ईयर और ईयर ए, इसका मतलब कोई तकरीबन होगा उनका और उनकी, यानी इंग्लिश में आप कहोगे देयर, टी एच ई आई आर वाला देयर। तो वंस अगेन, ईश का हो गया माइन माइने, डू का डाइन डाइने, एयर का जाइन जाइने, एस का भी वही है जाइन जाइने, और जी, शी वाले जी का ईयर ईयरे, वीयर का यानी हमारा उनजर उनजरे, ईयर तुम लोगों का वो क्या होगा ऑयर ऑयरे, कभी कभी यूज होता है, हम टोटैलिटी के खातिर आपको सारे करवाते हैं। और बड़ा वाला जी आपका ईयर और ईयरे, और आखिरी वाला जी दे का ईयर और ईयरे यानी उनका। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा बताना था, ये कुछ एग्जाम्पल इसकी यहाँ भी लिखी है, आप देखिए, अगर मैंने कहना हो मेरा बाप, तुम्हारा बाप, उसका बाप, हमारा बाप, तो आप यूँ कह सकते हो माइन फादर, डाइन फादर, उनजर फादर यानी आवर फादर, या फिर ईयर फादर, तुम लोगों का बाप, ईयर फादर। और अगर मैंने कहना हो उस लड़की का बाप, तो वो क्या होगा ईयर फादर, छोटा वाला आई के साथ, ठीक है ना, हर फादर। तो ये मिसाल के तौर पे है। अगर यही चीज मैं मुटर पे करूं तो ये कैसे हो जाएगा, माइने मुटर, दाइने मुटर, जाइने मुटर, उनजरे मुटर, इयरे मुटर, या फिर इयरे मुटर, मतलब वही है उसका, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, तुम लोगों का और उसका। तो दोस्तों ये पोजेसिव आर्टिकल है, इसके मैं आपको कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स और भी समझाता हूँ, देखिए आपको ये से आसानी होगी समझने में। ये मैं आपको देखिए, आपको नजर आएंगे, ये मैंने डेयर वाले नाउंस के साथ कैसे करना है, दस वाले नाउंस के साथ कैसे पोजेसिव आर्टिकल लगाना है, और डी वाले नाउंस के साथ। देखिए मैंने आपसे कहा दस इज डेयर डिश, दस इज डेयर डिश, दिस इज द टेबल, ये एक मेज है, ये मेज है, बल्कि तो आप साथ में मैं ये यू भी कह सकता हूं दैट इज माइन डिश। आपने गौर किया डेयर डिश का क्या हो गया पोजेसिव आर्टिकल माइन डिश। अगर मैं कहूं दैट इज दैट बुक, दिस इज द बुक, तो मैं यू भी कह सकता हूं दैट इज माइन बुक, माइन बुक, ये मेरी किताब है। देखिए उर्दू में ये फेमिनिन है, लेकिन जर्मन में बुक जो है ना न्यूट्रल नाउन, डास बुक, तो उसका पोजेसिव आर्टिकल होगा माइन बुक। अच्छा दस इज दी ताशे, दस इज दी ताशे, दिस इज द बैग, आप इसको यू भी कह सकते हो दस इज माइने ताशे, दस इज माइने ताशे, ये मेरा बैग है। तो दोस्तों बस ये नोट कीजिएगा, डे वालों के साथ मैंने कहा है माइन, दस वाले नाउंस के साथ मैंने कहा है माइन, और डी वाले नाउंस के साथ मैंने कहा है माइने, और प्लूरल्स के साथ भी मायने ही होता है। और कुछ मिसालें देख लेते हैं, इसमें हम और पर्संस के पोजेसिव आर्टिकल भी आपको दिखाते हैं कैसे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर इश बिन उमर,
मैं उमर हूं, दिस इज माइन डिश, मैं उमर हूं, ये मेरी मेज है। डू बिस उस्मान, तुम उस्मान हो, दिस इज डाइन डिश, ये तुम्हारी मेज है। अगर मैं किसी और के बारे में बताऊं तो मैं यूं कह सकता हूं, दिस इज देयर मैन, ये आदमी है, दिस इज द मैन। और फिर मैं किसी मेज को पॉइंट आउट करके कह सकता हूं, दिस इज ज़ाइन डिश, ये उसकी मेज है। देयर मैन का क्या हो गया, ज़ाइन डिश। दिस इज दस बेबी, दिस इज ज़ाइन डिश, ये बच्चा है, ये न्यूट्रल नाउन है जर्मन में, दस बेबी, उसका क्या होगा, ज़ाइन डिश, ये उसकी टेबल। अगर फेमिनिन नाउन है, मिसाल के तौर पे दिस इज दी डामे, दिस इज द लेडी, ये खातून है, तो और मैं यूं कह सकता हूं, दिस इज ईयर डिश, दिस इज हर टेबल। तो ये वही जो हमने पोजेसिव आर्टिकल सीखे हैं उसका मैं आपको मिसाल दे रहा था कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। प्लूरल्स में कैसे होगा, मिसाल के तौर पे दिस इन वीयर, ये हम लोग हैं, हम लोग हैं, दिस इज उनज़र, ये हमारी मेज है, उनज़र। दस इन दस राइट ईयर, ये तुम लोग हो, तो दस इज ऑयर डिश, ये तुम लोगों की मेज है। ये आप हैं, दस इन जी, तो दस इज ईयर डिश, ये आपकी टेबल है। और अगर मैं किसी और लोगों के बारे में बता रहा हूं, थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में, तो मैं कह सकता हूँ दस इन जी, ये वो लोग हैं, और दस इज ईयर डिश, इसका भी वही है कि ये उनकी टेबल है। तो ये आखिरी वाला जी जो है ना, ये देयर के सेंस में हो गया ना, दस इन जी, ये वो लोग हैं, दस इज ईयर डिश, ये उन लोगों की मेज है, दिस इज देयर टेबल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा पोजेसिव आर्टिकल कैसे होते हैं, माइन माइने, डाइन डाइने वगैरह, और पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे इस तरह ईश डू एर जी वीयर ईयर जी जी, और फिर हमने कुछ निगेशन के बारे में सीखा कि निगेशन कैसे करते हैं, यूजिंग द वर्ड्स नाइन निश्ट काइन काइने या फिर कभी कभी निश्ट। तो दोस्तों नाउन्स के टॉपिक हम इस पर इख्तिताम करेंगे और हम और चीज़ें फिर आगे जाके ग्रामर से रिलेटेड सीखेंगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके कोई कमेंट्स हों हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हमें अपना लेक्चर बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।